मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह के 9:30 हुआ है और बस मैं अभी चाय वाय लेके बैठी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। और क्योंकि इसके बिना तो सुबह होता नहीं है, तो आज नाश्ता वास्ता बेसिक हो गया था, लेकिन मुझे बहुत दिन से नूडल्स खाने का मन था तो मैं आज नूडल्स बनाऊंगी। और वैसे नॉर्मल है, हक्का नूडल्स का पैकेट मैंने मंगवाया था तो मैं उसी का बनाऊंगी, नॉर्मल एकदम सिंपल वे में। लेकिन कैसे बनाती हूँ वो मैं शेयर करूँगी, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाकी आज का मौसम सेम है, एकदम चिल्ड है। आप लोग को पता होगा बैंगलोर का मौसम आजकल कैसा चल रहा है, एकदम चिल्ड, एकदम लग रहा है जैसा कि ठंड अभी आ गई है यहाँ पे। तो बस सेम ही मौसम है जैसा अभी डेली का चल रहा है, कोई आज नया नहीं है। पर मैं फिर भी दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। एकदम बारिश बारिश मौसम हो रही है, बारिश हो रही है हल्का हल्का। आशा करती हूँ कि आप लोग का भी दिन अच्छा गया होगा, शुभ जाए, अच्छा जाए। बाकी और क्या बोलूँ, आगे जो मैं क्या कहती हूँ नूडल्स बनाऊँगी उसमें उसको देखिए और प्यार दीजिए। तब तक के लिए बस मैं ये बनाऊँगी, चिंग्स सीक्रेट्स का है वेज हक्का नूडल्स। तो आज मैं ये बनाऊँगी। मैं पहली बार इसको बना रही हूँ, मैंने पहले नहीं बनाया, बट नूडल्स खाने का मन था वो भी घर वाला, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं खुद ही घर पे बनाती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए। इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैं कुछ वेजेस ऐड करूँगी, एक अनियन है, कैरेट, कैबेज और ये कैप्सिकम। होता है ना कि थोड़ा सा मतलब नूडल्स इतना भी तो बहुत अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, बट ठीक है टेस्ट के लिए तो बंदा कुछ भी करे, तो उसको थोड़ा हेल्दी करने के लिए मैं सोच रही हूँ ये बन मिला लेती हूँ ताकि टेस्ट भी अच्छा है और हेल्दी भी रहे। तो बस आगे बने रहिए। मैंने वेजेस का चॉप कर लिया है, यही थोड़ा सा कैबेज को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एक मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी होना चाहिए ना, तो बस इतना ही मैं डालूंगी, उस मिक्स करूंगी। तो पहले नूडल्स को बॉईल कर लेती हूँ। इसके इंस्ट्रक्शंस में ये दिया हुआ था कि इसको बॉईल नहीं करना है, जस्ट सोक करना है और कवर कर देना है 5 मिनट्स के लिए, ये खुद ही कुक हो जाएगा। ओवर कुक अगर उसको फ्लेम ऑन करके कुक करेंगे ना तो ये ओवर कुक हो जाएगा, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। नूडल्स को गर्म पानी में डाल के इसको सोक कवर कर दिया 5 मिनट्स के लिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए। पैन को मैंने हीट कर लिया है, मैं इसे अभी ऐड करूंगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर कुछ करना है, मतलब ज्यादा कुछ करोगे तो फिर इसका न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा इसको बस शैलो फ्राई करना है। मतलब अगर होता है ना कि बच्चे लोग को नूडल्स बहुत पसंद होता है तो उन लोग के लिए, और होता है कि सब्जी बहुत सारे लोग खाना अवॉइड करता है, उन लोगों को नहीं पसंद आता कि सब्जी भी खाना खाए ये वो, तो ये अब हम लोग को देखना है कि किस चीज़ हम लोग सब्जी मिला के दे सकते हैं। तो बस कुछ भी ऐसा कुछ खाना पसंद करते हैं उसमें अच्छे क्वालिटी में इसमें आप सब्जी मिला दो, ताकि बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और बच्चे के मतलब पेट में भी चला जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, उनका भी मन खुश और अपना भी मन खुश। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले का तो नहीं पता, लेकिन हाँ अभी जब से बाबू थोड़ा बड़ा हुआ है और उसको ये सब चीज़ें इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा आया है तो तब से मैं ये करना शुरू की हूँ कि चलो ठीक है इसी में ऐड कर दो खा लेगा। मैं इसमें थोड़ा सा मतलब ब्लैक पेपर डालूंगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस। वैसे मैं नॉर्मली सेंधा नमक डालना प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी है नहीं तो मैं भी फिलहाल ये नॉर्मल वाला मिक्स कर रही हूँ।
लेकिन ना ये मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है उसके बारे में कि ना ये सॉल्ट खाने से अच्छा है कि आप हिमालयन रॉक सॉल्ट खाइए, उससे ना काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह भी है। तो नमक का नमक भी हो जाएगा और बेनिफिट्स का बेनिफिट्स भी। तो अभी देख लो आप, मैं ये सारा ये सॉस डालूंगी, रेड चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा टेस्ट के लिए शेजवान चटनी डालूंगी, क्योंकि इसमें डालने के लिए जो मसाला होता है ना वो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं ये डाल दूंगी और थोड़ा सा ये चिली विनेगर बस। ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कितना ज़्यादा तीखा चाहिए ये कम तीखा चाहिए। मैं इसको एक स्पून डाल रही हूँ। और ये है रेड चिली सॉस, थोड़ा सा ये भी डालूंगी। और थोड़ा सा ये सॉस, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें नूडल्स ऐड करूंगी। देख लीजिए बिना इसको बॉईल किए हुए ये खुद से अच्छे से कुक हो गया है। बस 5 मिनट, मैंने 5 मिनट 7 मिनट छोड़ दिया था इसको अच्छे से कवर करके, बस ये हो गया है। बस इसमें मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आप लोग कैसे बनाते हो आप लोग बताना कि कैसे बनाते हो। ये एक सिंपल रेसिपी है बस, जैसे नॉर्मली हर लोग बनाते हैं। इसमें कुछ अजीनोमोटो वगैरह भी डालना होता है बट वो मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि वो एक हेल्दी भी नहीं है और मेरे पास है भी नहीं और मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ उसको, क्योंकि मैं हस्बैंड ने मना किया है उसको यूज़ करने के लिए, तो मैं नहीं मंगवाती हूँ उसका। तो बस इसको थोड़ा देर मैं फ्राई कर लूँगी। बस ये फ्राई हो गया है, अब खाने के लिए रेडी है। बस मेरा एक गलती हो गया कि मैं इसको जब वो उसको बॉईल कर रही थी ना, बॉईल करने के लिए जो मैंने सोकन के डाला था उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालना भूल गई, तो थोड़ा सा ये स्टिकी हो गया है, बट ओवरऑल गुड है। अब आप लोग बताओ कि आप लोग कैसा लगा। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।